वर्तमान मुख्यमंत्री को मालूम है क्या हो गया कि जितना झूठ बोल सकते हैं सदन के अंदर, जितना गुमराह कर सकते हैं सदन के अंदर सदन के बाहर, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश इस छोटे से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान दो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिले हैं इंडस्ट्री सेक्टर में, एक बल्क ड्रग फार्मा पार्क और दूसरा मेडिकल डिवाइस पार्क। और उस वक्त एज इंडस्ट्री मिनिस्टर विक्रम सिंह जी और पूरे अधिकारियों ने इनके साथ मिल करके इन दोनों प्रोजेक्ट को, क्योंकि पूरे नेशनल लेवल की बिडिंग हुई थी, उस सारी इस प्रक्रिया में भाग लेते हुए बहुत मेहनत के साथ ये प्रोजेक्ट हासिल किया। जब आज माननीय सदस्य विक्रम सिंह ठाकुर जी ने प्रश्न का उत्तर पूछा तो मंत्री महोदय कुछ और कह रहे थे और मुख्यमंत्री उसके उनके विपरीत कुछ और कह रहे थे। पहला तो प्रश्न ये होता है कि जब मुख्यमंत्री के सामने मंत्री सदन के अंदर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि स्टेट इस प्रोजेक्ट को ना चलाए और स्टेट के बजाय जो है जो इंटरनेशनल जो नेशनल बिडिंग हुई है उसी प्रोसेस पे आगे बढ़े, लेकिन सरकार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी को और इशारा करते उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ये चाह रहे हैं कि स्टेट इसको, स्टेट की क्या स्थिति है, क्या स्टेट इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने के लिए कानून और नियमों के मुताबिक उसको इजाजत केंद्र सरकार से लेनी नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया गया है, रोक दिया गया है। जो एपीआई के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन लोगों को बुला बुला करके कहा जा रहा है कि आप क्या करने चाह रहे हैं, किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को लगाने जा रहे हैं। राय लेना एक बात, लेकिन उनसे जिस प्रकार से बातें की जा रही है उस तरह से उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। जो आज कह रहे हैं कि हम अपनी कंडीशनों पर लगाएंगे, अपनी कंडीशन का अभिप्राय क्या है, मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भूमि समतल करने का वहां पर काम चला है, कौन लोगों को ठेका देने के लिए कहा गया है, किसको मिट्टी उठाने के लिए कहा गया है, किसको साइट डेवलप करने के लिए वहां पर दबाव डाले जा रहे हैं, ये बातें छुपी हैं क्या? इसलिए तो हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्री भाग जा रही है। और यही स्थिति जो है वो हमारे बल्क ड्रग फार्मा पार्क, जो भी उस सेक्टर में जो उस एपीआई के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो लगाना चाहते हैं, यूनिट लगाना चाहते हैं, वहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके सामने जिस प्रकार के प्रस्ताव रखे जा रहे हैं उन प्रस्तावों की परिस्थिति ऐसी है कि कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, हकीकत यह है। और इसलिए अपनी शर्तों का मतलब मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें, शर्तें यह है कि जिनको पूरा करना किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आज की तारीख में संभव नहीं हो पा रहा है, उनके लिए मुश्किल है, और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट तो हाथ जोड़ करके ही चले गए। और यहां तक परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में, मैं पहले भी कह रहा था कि हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री का पलायन क्यों हो रहा है, बड़े बड़े यूनिट, बड़े बड़े यूनिट पीएनजी जैसे जो, वो हिमाचल छोड़ करके जा रहे हैं, बहुत सारे यूनिट चले गए, उसकी वजह क्या है? और जहां हिमाचल के हितों की बात है, जब नेशनल लेवल पर बीडिंग हुई तो बीडिंग का मतलब होता है तो कॉम्पिटिशन होता है, कुछ जगह रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी आपको और कुछ जगह छूट देनी पड़ेगी, तभी जाकर के कॉम्पिटिशन में आप स्टैंड करेंगे। और ऐसे में आज जिस प्रकार से जवाब दे करके मुख्यमंत्री जी संदेश देने की कोशिश कर रहे, बार बार उन्होंने कोई 10 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, हिमाचल अपनी, क्या बोला हमने, हिमाचल अपनी शर्तों पर, अपनी शर्तों पर, ये शर्तों का मतलब बहुत गहरा है। और बातें जो है आखिरकार जो व्यवहार में होती है वो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जाहिर हो जाती है, आज वो जाहिर हो रही है। आज वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल का बद्दी बरोटी बाला का इलाका, नालागढ़ के इलाके में क्या वहां पर तांडव मचा हुआ है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और आज तक हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई, कभी नहीं आई आज तक, कांग्रेस की भी सरकार रही,
तो इसलिए हम आज उनसे इसी बात के लिए कह रहे थे कि जो प्रोजेक्ट आप अनावश्यक रूप से डिले कर रहे हैं उनको डिले मत करिए, जितना जल्दी लगाएंगे, प्रोजेक्ट जब मिल गया है उन प्रोजेक्ट को जल्दी लगाइए, जल्दी लगा करके हिमाचल के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और उसके बाद उसके साथ साथ में बहुत सारे लोगों को रोजगार के साथ साथ में उनके जो वहां पर उस इलाके की जो है लोगों की एक आय का एक बहुत बड़ा जरिया खड़ा है। इसलिए आज जब सदन में हमने इस प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से चाहा था उस प्रकार से मिला नहीं, और जब नहीं मिला हम बार बार आग्रह करते रहे, अध्यक्ष महोदय जी ने इजाजत नहीं दी और अंततः हमने वॉकआउट किया। देखिए ऐसा है ना, कितना झूठ बोलने की, जब मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र कर सकते हैं, जब मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री निवास पर हमने लोगों को बैठने के लिए एक जगह बनाई, उसमें छोटी सी एक पट्टी का हमारे नाम की लगाई गई और वो लगती भी है, हमने लिफ्ट लगाई और लिफ्ट लगा करके उसकी एक छोटी सी पट्टी का लगी, लेकिन एक एक चीज को हटा दिया गया और मुख्यमंत्री जी कहते मुझे तो मालूम ही नहीं। जिस मुख्यमंत्री निवास में उनको ठहरते हुए एक साल हुआ, अभी तक मुख्यमंत्री जी हाउस के अंदर कह रहे हैं कि वहां पर लिफ्ट लगी है, मुझे तो पता ही नहीं। इतना झूठ बोल करके कोई आदमी इस प्रकार से बात करे, मुख्यमंत्री बात करे, तो सचमुच में ये हास्यास्पद परिस्थिति है। बात कही कि हम उनको रिस्टोर करेंगे, हम उसकी जांच करेंगे, लेकिन किसके आदेश पर हटाई गई है, पहले तो प्रश्न यही होता है। बाकी मंत्रियों की, पूर्व मंत्रियों की, विधायकों की पट्टिका तो तोड़ी जा रही है, उसके बारे में तो उन्हें आदेश किए, लेकिन जहां मुख्यमंत्री निवास पर ही ये हो रहा है तो क्या स्थिति है, आप समझ सकते हैं। एक बात ये जो गारंटी वाली जो बात आज आपने कही, आज पिछले कल उन्होंने कहा सदन के अंदर कि हमने नौकरियां नहीं कहा है, 1 लाख नौकरियां नहीं कहा है, हमने 1 लाख रोजगार कहा है आज, और सरकार के नहीं, उन्होंने कहा कि वो प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है, किसी भी तरह का रोजगार हो सकता है, इस प्रकार की हमने बात कही है। हमने वहां पर कल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा ये जो है ये सत्य पर आधारित नहीं है, ये तो है वो फेक करके उन्होंने इस प्रकार का कहा कि ये गलत है। आज हमने उनका घोषणा पत्र लाया और वो घोषणा पत्र विधिवत नियम के अनुसार हमने सदन में ले किया। ले करने के बाद स्पीकर साहब ने उस घोषणा पत्र को मंगवाया अपने चेयर पर और वहां उन्होंने वही पंक्तियां वही शब्द पढ़ करके सुनाए और जिसमें कहा कि 1 लाख सरकारी नौकरियां दे दी जाएंगी, ये शब्द एक वर्ष ये लिखा हुआ है। तो ऐसे में फिर कौन झूठ बोल रहा है, और उसके बाद बोल रहे कि ये तो घोषणा पत्र है, हमारा गारंटी पत्र और है, ये गारंटी पत्र और है, घोषणा पत्र और है, गारंटी पत्र को भी का भी हम अध्ययन करेंगे, कितना झूठ बोलेंगे। हिमाचल के इतिहास में आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे, कम से कम खुले आम कैमरे के सामने, लोगों के सामने इस प्रकार का झूठ कभी नहीं बोला गया जो वर्ण